जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप चौधरी एग्जाम स्टडी सेल्फ में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम ज्योग्राफी का जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम जो पिछले लेक्चर में हमने जो टॉपिक जहां पे खत्म किया था उससे आगे हम शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा पिछली क्लास का हम रिविजन भी कर लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में बेसिकली अपने राजस्थान की उत्पत्ति से संबंधित जो अल्फ्रेड वेगनर का जो सिद्धांत है वो भी देखा था, और साथ ही साथ हमने जो राजस्थान की जो भौतिक विभाजन है, जो राजस्थान को भौतिक रूप से हमने चार भागों में बांटा है, जैसे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल हो गया, अरावली हो गया, या फिर जो पूर्वी मैदान हो गए, और या फिर जो जो दक्षिणी पश्चिमी जो पूर्वी पठारी जो भाग है उनको हमने एक हल्का सा देखा था कि भाई वहां की जलवायु कैसी है, जनसंख्या कितनी निवास करती है, कितना एरिया कवर करते हैं, कितने जिलों में आते हैं, कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो आज हम उन्हीं में से जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल है उसको डिटेल से पढ़ेंगे, और धीरे धीरे हम एक एक को डिटेल से पढ़ते जाएंगे। तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल की अगर हम बात करें तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल का जो निर्माण है वो बेसिकली टर्शियरी काल में और प्लेस्टोसीन काल में जो है इसका निर्माण हुआ। और अगर हम राजस्थान के अंदर उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल की अगर विस्तार की अगर हम बात करें तो इसकी जो लंबाई है कुल राजस्थान के अंदर जो है मरुस्थल की वो लंबाई है 640 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करें तो चौड़ाई लगभग इसकी जो है 300 किलोमीटर तक जो है चौड़ाई में ये फैला हुआ है। और अगर ऊंचाई की अगर हम बात करें तो लगभग 200 से 300 मीटर की एक वेरिएशन में जो है इसकी ऊंचाई जो है कम ज्यादा होती रहती है, 200 से 300 मीटर के बीच जो है ये पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि राजस्थान में फैला हुआ है लेकिन इसके जो ढलान है वो किस साइड है, मरुस्थल का ढलान राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के अंदर हम बात करें तो मरुस्थल का जो ढलान है वो ऐसे है राजस्थान। तो ये जो है उत्तरी पश्चिमी से ये जो इधर जो है ना दक्षिणी, ये इधर ऐसे उत्तरी पूर्वी से दक्षिणी पश्चिम की ओर जो है राजस्थान का ढलान, जो मरुस्थल का ढलान है वो इस हिसाब से। अब अगर हम आगे अगर हम बात करें कि जैसे आगे आगे हमें पढ़ना है तो इसको फिर से हम सुविधा के हिसाब से दो भागों में बांटेंगे। अब इसको दो भागों में कैसे बांटेंगे कि एक तो जैसे ये जो पूरा मरुस्थल है उसको हम 0 से 25 सेंटीमीटर वाली वर्षा रेखा में बांटेंगे, और एक जो दूसरी है वो है 25 से 50 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है उसमें बांटेंगे। तो 0 से 25 सेंटीमीटर वाला जो पार्ट है वो हमारा हो जाएगा शुष्क मरुस्थल, और जो यहाँ पे जो 25 से 50 सेंटीमीटर वाला जो है इसको हम बोल देंगे क्या, अर्ध शुष्क मरुस्थल बोल देंगे इसको। तो बेसिकली अब हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल पढ़ेंगे, जिसको हम शुष्क मरुस्थल जो है उसको भी हम जो है यहां पे दो भागों में बांट देंगे, शुष्क मरुस्थल और एक क्या हो जाएगा अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो इसको जो शुष्क मरुस्थल है उसको हम बेसिकली एक और नाम से भी जानते हैं, इसको हम बोलते हैं राठी प्रदेश, और जो ये जो अर्ध शुष्क है इसको हम बोलते हैं बांगड़ प्रदेश। हम डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा पढ़ने में इजी लगे ये। अब फिर हम जो एक तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, शुष्क और अर्ध शुष्क में, अब हमें थोड़ा और इजी तरीके से पढ़ना है तो हम क्या करेंगे, ये जो शुष्क मरुस्थल है इसको भी हम दो भागों में डिवाइड कर देंगे। दो भाग कौन कौन से करेंगे इसको कि एक तो देखो हमारे यहाँ टिब्बे मिलते हैं, कई जगहों पे टीले होते हैं और कई जगहों पे टीले नहीं होते हैं, तो इसको दो भागों में हमने ये बांट दिया कि एक तो हो गए बालू का स्तूप मुक्त जो एरिया हो गया, और नंबर दूसरा कौन सा हो गया बालू का स्तूप जो युक्त भाग जो है, ठीक है। तो इनमें से अगर हम बात करें बेसिकली दोनों की, तो यहां पे जो बालू का स्तूप मुक्त जो भाग है ना वो राजस्थान में कितना पाया जाता है, वो राजस्थान में पाया जाता है 41.5%,
ये जो बालू का स्तूप मुक्त भाग है कि ये इतना भाग है यहाँ पे जो है टीले नहीं पाए जाते, और ये जो पार्ट है वो बच गया कितना 58.5%, तो यहाँ पे टीले पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें आगे कि बालू का स्तूप मुक्त जो भाग है वो मुक्त क्यों है, वहां पे टीले क्यों नहीं पाए जाते, तो बेसिकली क्या है कि जैसे जैसलमेर हो गया, जैसलमेर में जैसे रामगढ़, लोद्रवा, पोकरण, बाड़मेर और जोधपुर, यहां पे क्या है कि यहां पे जो रेगिस्तान है वो है पथरीला, और पथरीले पथरीला अगर रेगिस्तान होगा तो वहां पे टीले की संभावना शून्य होगी, वहां पे टीले कैसे मिलेंगे। तो पथरीले, और एक और बात कि पथरीले रेगिस्तान को हम क्या बोलते हैं, ये कई जगह क्वेश्चन भी पूछते हैं कि जो पथरीला रेगिस्तान होता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको ध्यान रखना आप, उसको बोला जाता है हमादा। पथरीला रेगिस्तान जो होता है ना उसको हमादा बोला जाता है, और ये जो बालू का स्तूप मुक्त जो एरिया है ना वो यही एरिया है, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। और जैसलमेर में भी क्या है, रामगढ़, लोद्रवा और पोकरण, ये तीन भाग आते हैं। अब इसके बाद अगर हम आगे पढ़ते हैं, बालू का स्तूप युक्त, तो अब हम पढ़ेंगे बालू का स्तूप युक्त भाग पढ़ेंगे, और जो कि कितना था हमारा, ये था 58.5% जो है ये था। अब बेसिकली बालू का स्तूप होते क्या है, बालू का स्तूप ये होते हैं कि जब हवा चलती है ना तो हवा क्या करती है कि अपने साथ मिट्टी जो है उसको इकट्ठा करती रहती है और एक जगह उसको जो है ना निक्षेपित कर देती है, और जो वही जो मिट्टी का जो एक जगह हवा के द्वारा जो बनाया, अब जैसे ऐसे हवा चल रही है ये मिट्टी को ऐसे उड़ा के लेके जा रही है और यहाँ पे है ना एक जगह इसको जमा कर रही है, तो यही जो है धीरे धीरे क्या है बालू का स्तूप का निर्माण कर लेते। तो बालू का स्तूप बेसिकली कई प्रकार के होते हैं, जैसे हवा चली जैसा डिजाइन बन गया और उसी का हमने एक नाम दे दिया कि भी इस प्रकार के बालू का स्तूप को हम क्या बोलेंगे, ये नाम देंगे। तो उसी प्रकार हम अगर पढ़ते हैं कि बालू का स्तूप कौन कौन से होते हैं, तो एक तो होता है सबसे इंपॉर्टेंट भी है ये और सबसे ज्यादा जरूरी भी है ये इसको पढ़ना, बरखान। तो बरखान बेसिकली होता क्या है कि ये जो बरखान है ना ये बेसिकली एक अर्ध चंद्राकार बालू का स्तूप होता है, मतलब ये इस टाइप का होता है, एक ये बरखान होता है। तो बरखान अर्ध चंद्राकार टाइप का होता है, और इसमें होता है कि जैसे ये हवा है इधर से पवन जो है वो बह रही है, तो ये पवन का जो ये अंदर ये जो हिस्सा है ना जिस साइड से पवन आती है उसको तो क्या बोलते हैं, अवतल भाग, और ये जो दूसरी साइड जो भाग बनता है ना इसका ये उत्तल भाग बनता है इसका, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो बरखान है ना, बरखान के जो पवन आने की जो दिशा होती है तो उसमें जो है ना ये जो होता है, तो ये एक मिनट थोड़ी सी, यहाँ पे ये जो पवन आने की जो दिशा होती है ना उसको हम उत्तल भाग बोलते हैं, और जो दूसरी साइड है उसको हम क्या बोलते हैं, अवतल भाग बोलते हैं, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है कि इसकी ये कितने लंबे फैले हो सकते हैं या कितने ऊंचे हो सकते हैं, तो इसकी जो लंबाई अगर हम देखें ना तो लंबाई लगभग 100 से 200 मीटर, लेकिन ऊंचे ज्यादा नहीं होते हैं ये, ऊंचे 10 से 20 मीटर से ज्यादा ऊंचे नहीं होते। और ये सबसे ज्यादा अपने शेखावाटी वाले एरिया में, शेखावाटी की अगर हम बात करें चूरू, सबसे ज्यादा चूरू के अंदर ये जो बरखान मिलते हैं। और एक खास बात और, ये इंपॉर्टेंट इसलिए बताया मैंने आपको क्योंकि ये जो है ना ये शिफ्ट होते हैं हवा के साथ, कि आज यहाँ पे है कल थोड़ा आगे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे हो गया, फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे शिफ्ट होते जाते हैं, और जैसे जैसे शिफ्ट होते जाते हैं तो ये रेगिस्तान का क्या करेंगे, रेगिस्तान में भी विस्तार करते हैं।
इसलिए बोलते हैं कि इनकी जो ये बालू का स्तूप है ना, इनकी वजह से मरुस्थलीकरण सबसे ज्यादा होता है। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि कौन से प्रकार के बालू का स्तूप की वजह से जो है मरुस्थलीकरण क्या सबसे ज्यादा होता है। तो बरखान जो बालू का स्तूप है उसकी वजह से जो है मरुस्थलीकरण सबसे ज्यादा और होता है। और इसी वजह से जो है ना, क्योंकि चूरू से आगे क्या हरियाणा और पंजाब, और इसीलिए आजकल चिंता हो रही है कि इन जो स्तूप है, बालू का स्तूप है, इनकी वजह से जो है आगे हरियाणा और जो पंजाब है वहां पे भी जो है मरुस्थलीकरण जो है बहुत तेजी से हो रहा है। अब नंबर दो पे अगर हम बात करें, यहाँ पे नंबर दो पे हो गया तुम्हारा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की अगर हम बात करें तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बेसिकली है क्या। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप ये है कि जैसे ये जो है ना तुम्हारे पवन के द्वारा जो ये मिट्टी है ना, ये मिट्टी है, ये जो पवन की जो डायरेक्शन है ना, हवा की डायरेक्शन, उसके 90 डिग्री पे किया जाता है, 90 डिग्री पे, यानी कि समकोण पे। ये जो मिट्टी का निक्षेपण जो हो रहा है ना, ये पवन की दिशा जो है उसके 90 डिग्री पर यानी जो किया जाता है। इससे जो है ना ये अनुप्रस्थ टाइप बालू का स्तूप का जो है निर्माण होता है। और ये जो अनुप्रस्थ टाइप बालू का स्तूप है ना, ये सबसे ज्यादा कहां मिलेंगे, सबसे ज्यादा मिलेंगे बाड़मेर और जोधपुर। एक बात और बता दूं आपको, अगर बात करें हम सबसे ज्यादा बालू का स्तूप की, कि भी सबसे ज्यादा बालू का स्तूप कहां मिलते हैं, तो वो मिलेंगे जोधपुर में। और दूसरी अगर हम बात करें कि सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहां मिलेंगे, तो सभी प्रकार के जो बालू का स्तूप है वो मिलेंगे तुम्हारे जोधपुर के अंदर, जैसलमेर में सबसे ज्यादा, जबकि सभी प्रकार के कहां मिलते हैं, जोधपुर के अंदर। ये भी है ना आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि सभी प्रकार के बालू का स्तूप राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं, या फिर सबसे ज्यादा बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी जो है, अभी ये समझ में आ गया आपको कि भाई अनुप्रस्थ क्या होते हैं। अनुप्रस्थ जो होते हैं ना, वो पवन के समकोण पर जो है मिट्टी का निक्षेपण करते हैं, ठीक है, बाड़मेर और जोधपुर में सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक। उसके बाद हम नंबर तीन पे देखेंगे। नंबर तीन पे अगर हम बात करते हैं तो नंबर तीन पे है अनुदैर्ध्य या फिर रेखीय। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे अनुदैर्ध्य और रेखीय क्या होते हैं। रेखीय मतलब ये इधर ही मिट्टी का निक्षेपण हो रहा है और ये हवा भी जो है इसी के समांतर चल रही है। तो जिधर मिट्टी का निक्षेपण हो रहा है उसी के समानांतर अगर हवा चल रही है तो उसको अनुदैर्ध्य या रेखीय बोलते हैं। और ये वाले बालू का स्तूप जो है सबसे ज्यादा काम लेंगे आपको जैसलमेर में, ठीक है। तो ये इतना सही है कि भी अगर हमने अनुप्रस्थ पढ़ा था, अनुप्रस्थ में हवा किस कहां पे थी, किस एंगल पे थी, समकोण पे थी, और यहाँ पे क्या है समानांतर है इसका, जीरो डिग्री एंगल है, ठीक है। वो बाड़मेर और जोधपुर में सबसे ज्यादा थे और ये जैसलमेर में जो है सबसे ज्यादा। और उसके बाद अगर हम बात करें, एक है तारानुमा। तारानुमा बालू का स्तूप, तारानुमा बालू का स्तूप बेसिकली आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई ये किधर है, ये इधर और ये ऐसे, मतलब एक के जब हवाएं जो है ना, जब अनियमित रूप से चलने लगी कि कभी इधर से जा रही है, कभी इधर से आ रही है, कभी इधर से आ रही है, कभी इधर से आ रही है, तो उससे क्या होने लगता है कि मतलब एक स्टार सा बन जाता है अलग अलग डायरेक्शन। जैसे इधर हवा गई तो ये इसके समानांतर इसने बना दिया, इधर से हवा आई तो यहाँ पे कुछ बना दिया। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग भुजाएं जो से तीन या तीन से ज्यादा जो भुजाएं है ना वो बन जाती है और वो एक तारे की आकृति के जैसा दिखने लग जाता है। तो इसमें ये जो तारानुमा बालू का स्तूप है ना, इसमें न्यूनतम तीन भुजाएं होती है, ज्यादा कितनी भी हो सकती है लेकिन न्यूनतम तीन भुजाएं तो होती होती है इसमें। और अगर हम बात करें तो ये जैसलमेर में और गंगानगर के अंदर जो है सूरतगढ़ जगह है,
तो वहां पे जो है ना ये तारानुमा जो बालुका स्तूप है ये हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे इसका एक और पार्ट है पैराबोलिक। पैराबोलिक बालुका स्तूप। पैराबोलिक बालुका स्तूप क्या होता है? तो पैराबोलिक बालुका स्तूप जो होता है बेसिकली वो क्या रहता है कि ये एक तरीके से जो है ना ये जो अपने लड़कियां बालों में क्लिप लगाती है ना वो उसी क्लिप की आकृति का सही होता है। ये पैराबोलिक जो है ना महिलाओं की जो बालों में जो क्लिप लगाती है लगभग उसी जो आकृति का जो है ये पाया जाता है। तो अगर इसकी अगर हम बात करें तो ये जो है ना ये सारे मरुस्थलीय जिलों में पाया जाता है। ये जो पैराबोलिक है ना सारे मरुस्थलीय जिलों में जो है ये पाया जाता है और इसलिए जो है ना ये राजस्थान में सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन गया कि भी ऐसा कौन सा बालुका स्तूप है जो राजस्थान के सारे मरुस्थलीय जिलों में पाया जाता है, कौन सा है? तो ये है पैराबोलिक। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये सब सारे मरुस्थलीय जिलों में पाया जाता है तो ये सबसे ज्यादा भी यही है। उसमें कंफ्यूज मत हो जाना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना जैसलमेर में बालुका स्तूप सबसे ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, सारे बालुका स्तूपों की बात करें और सभी प्रकार के जो है वो जोधपुर में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि पैराबोलिक जो है ना वो सब जगह मिलते हैं, इसलिए पैराबोलिक सबसे ज्यादा राजस्थान में पैराबोलिक टाइप के बालुका स्तूप होते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें, हमने पढ़ा था बरखान, अब वो बरखान से ही एक होता है सीप, ये होता है। तो हमने थोड़ी देर पहले बरखान पढ़ा था, बरखान में मैंने आपको बताया था कि ये एक अर्धचंद्राकार आकृति सी है ये बन जाती। बरखान में तो क्या हो रहा था कि हवा ऐसे चल रही थी, अब यहां पे क्या हुआ कि हवा की जो डायरेक्शन है ना वो बदल गई, वो हवा की डायरेक्शन हो गई ये। अब ये डायरेक्शन अगर हवा की हो गई तो इसमें क्या हुआ कि जो इसकी जो बरखान की ये वाली भुजा है ना ये आगे की ओर बढ़ गई। ठीक है, तो ये वाली भुजा जब आगे की ओर बढ़ गई तो इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, जो ये स्ट्रक्चर जो बना है ना यहाँ पे उसी स्ट्रक्चर को हम सीप बोलते हैं। बस इसमें फर्क इतना ही है, बना बरखान ही, हवा की डायरेक्शन चेंज हुई और उसकी एक भुजा जो है आगे की ओर बढ़ गई, तो उसी जो ये जो स्ट्रक्चर बना उसको हम बोल देंगे क्या, सीप बोल देंगे। अब कुछ छोटे छोटे हैं, जैसे एक देखते हैं जैसे छोटी छोटी झाड़ियां होती हैं, तो छोटी छोटी झाड़ियां जो होती है उन पे भी जो है ना कुछ छोटे मोटे टीले जो है बन जाते हैं। अब जैसे ये कोई छोटी झाड़ी खड़ी है यहाँ पे, तो इसके आसपास भी थोड़ी ऐसे मिट्टी जमा हो गई यहाँ पे, ये तो ये बन गया छोटा सा ऐसे ऐसे। तो इसको जो है ना ये इसको हम बोलते हैं क्या, ये होता है सब्र का पीस, कि जब धीरे धीरे इनको क्या है सब्र करना पड़ता है तो ये धीरे धीरे क्या है धीरे धीरे बनता है, तो ये इसका नाम क्या है सब्र का पीस। ठीक है, तो ये जो वनस्पति के आसपास छोटी झाड़ियां और जो छोटी वनस्पति होती है ना उसके आसपास जो बनने वाले जो स्तूप होते हैं ना छोटे छोटे उसको हम बोलते हैं सब्र का पीस बोलते हैं उसको। अब अगला अगर हम बात करें यहां पर एक और भी बनते हैं ना अपने, जैसे इनके पीछे की साइड जैसे ये पेड़ खड़ा है तो इनके पीछे की साइड थोड़ा बन गया, इधर की साइड थोड़ा बन गया, तो उसको हम क्या बोल देंगे नेवखा। एक तो देखो इनके चारों तरफ बन गए, एक थोड़ा डिस्टेंस पे ऐसे पीछे की साइड बन गया वो, तो उसको हम बोलेंगे नेवखा। ये तो सब्र का पीस और ये नेवखा ना ये इसी से रिलेटेड है, इसके चारों ओर अगर बन जाए छोटी झाड़ियों के होंगी तो उसको बोल देंगे सब्र का पीस, और थोड़ा पीछे की साइड बन जाए तो वो हो जाएगा तुम्हारा नेब का। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आगे क्या पढ़ेंगे, तो ये जो हमारा है ना ये उत्तरी पश्चिम मरुस्थल, तो ये शुष्क वाला जो भाग है ना शुष्क वाला भाग वो तो हो गया खत्म। अब पढ़ेंगे हम दूसरा, हमने एक पार्ट और डिवाइड किया था अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क जो मरुस्थल या फिर एक नाम इसको भी दिया था हमने, जैसे उसको दिया था राठी प्रदेश,
तो इसको अर्थशुष्क मरुस्थल को हमने क्या दिया था, बांगड़ प्रदेश, ठीक है, अर्धशुष्क मरुस्थल या फिर बांगड़ प्रदेश। तो ये अपने जो ये जो बांगड़ प्रदेश या जो अर्धशुष्क मरुस्थल है, ये बेसिकली है क्या, 25 से 50 सेंटीमीटर के जो बीच है, जो यहाँ पे जो है बारिश होती है ना, उस वाले एरिए को जो है हम अर्धशुष्क मरुस्थल या बांगड़ प्रदेश बोलते हैं। और वैसे शेखावाटी को तो बोलते भी है, बांगड़ एरिया जो है वो शेखावाटी को बोलते हैं। तो इसमें जो है हम आज इसको थोड़ा स्टार्ट करके छोड़ देते हैं कि इसमें कौन कौन से आते हैं। तो इसमें एक तो देखो लूणी का बेसिन आ जाता है, लूणी बेसिन, इसमें क्या क्या पढ़ना है वो बता रहा हूं। नंबर दो पे जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें जो तुम्हारा नागौरी उच्च भूमि वाला एरिया है, नागौर के आसपास जो उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। और नंबर तीन पे अगर हम बात करें तो वो शेखावाटी अंत प्रवाह, और उसके बाद अगर हम बात करें नंबर चार पर तो वो गंगानगर हनुमानगढ़ वाला जो है घग्गर बेसिन। तो अगली क्लास में हम अर्धशुष्क मरुस्थल के जो है ये चार भाग है, सबसे पहले हम लूणी बेसिन पढ़ेंगे, नीचे चलेंगे, फिर उसके बाद हम नागौरी उच्च भूमि पढ़ेंगे, उसके बाद शेखावाटी अंतः प्रवाह पढ़ेंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे हम घग्गर बेसिन। तो ठीक है, कल आप पढ़ के आना थोड़ा बहुत ये, और उसके बाद हम जो है थोड़ा कल की क्लास में पीछे का जो पढ़ा है, जो बालू का स्तूप पढ़े हैं उनका रिवीजन करेंगे, और फिर आगे एक एक को जो है कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास को जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमें मोटिवेट प्रदान करें ताकि हम आगे भी आपके लिए जो है अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहें। जय हिंद।